हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत सी सिंपल सादी सी मसाज, जिसको हम करेंगे मुश्किल से 2 या 3 मिनट हमें लगेगी इसको करने में। और जो हमारे पैरों का दर्द है, सारा दिन का काम करने के बाद जो हमारे पैरों में एक स्टिफनेस और एक पेन बन जाता है, उससे हमें साथ साथ छुटकारा मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मसाज है और हम इसको एनी टाइम एनी वेयर, मतलब कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। ये मसाज हमें अपने दोनों हाथ की मिडल और रिंग फिंगर में करनी है, लेफ्ट हैंड में भी एंड राइट हैंड में भी। यहाँ पर मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बताना चाहूँगी कि क्यों हमें अपनी इन दो फिंगर्स की मसाज करनी है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारी पूरी जो बॉडी है वो हमारे हाथों पर, हमारी पाम पर रिफ्लेक्ट करती है। तो जो हमारी दोनों टांगे हैं वो हमारी इन दो फिंगर्स पे आती हैं। तो जब हम इन फिंगर्स की मसाज करेंगे तो डेफिनेटली जो सारा दिन काम करने के बाद हमें एक थकान होती है, और उस थकान में सबसे ज़्यादा हमारे पैर सफ़र करते हैं, हमारी टांगे सफ़र करती हैं। चाहे वो काम हमें घर में रह के करना है या कोई ऑफिस गोइंग है उसको वहाँ जाकर करना है, लेकिन सारा दिन काम करने में सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारी टांगों पर ही पड़ता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि ये हमारी एक एक्यूप्रेशर की रिंग आती है जो थोड़ी सी इलास्टिक होती है। हमें जबी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं या हम अपने वर्क प्लेस पर बैठे हैं, हम अपने हैंडबैग में इस रिंग को ज़रूर रखें, और जब हम बैठे हैं फ्री तो रिंग अपनी फिंगर में चलाते रहें इस तरह से अराउंड 1 से 1.5 मिनट। दोनों फिंगर में चलानी है, मिडल फिंगर में भी एंड उसके बाद रिंग फिंगर में भी। सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड में भी चला लीजिए और राइट हैंड में भी चला लीजिए, वही 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो जो हमारी लेग्स में बैठे बैठे एक स्टिफनेस आ जाती है या प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि हर समय चलना फिरना नहीं होता, हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं या प्रोलॉन्ग खड़े रहते हैं लंबे समय तक, तो क्या होगा, एक सर्कुलेशन बनेगा इस रिंग की हेल्प से। तो ये तो हुआ कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं वर्क प्लेस पे या कहीं बैठ के टीवी देख रहे हैं तो आप इसको रिंग को यूज़ कर लें। अगर आपके पास रिंग नहीं है या आप ले जाना भूल गए हैं, तब आप क्या करें कि अपनी थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर से इस तरह से हुक बना लें एंड घुमाते हुए प्रेशर दें अपनी दोनों फिंगर्स पर, क्योंकि यहाँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की मसाज कर सकते हैं एंड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की मसाज कर सकते हैं और प्रेशर भी दे सकते हैं। तो ये दो तरीके हुए कि आप अपने दोनों फिंगर्स को इस तरह से प्रेशर देंगे, चाहे वो रिंग से दें चाहे अपने हाथों से दें। इसके अलावा जब आप अपने घर में बैठे हैं या आपके पास कोई क्रीम या लुब्रिकेंट अवेलेबल है, चाहे वैसलीन कोई क्रीम है या कोई ऑयल है, तो आपको क्या करना है, अपनी इन फिंगर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। एंड ये क्रीम लगाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपका हाथ थोड़ा अच्छे से चलेगा और एक प्रॉपर मसाज आप इसको दे पाएंगे, राइट। वही दोनों हाथों में हमें इस तरह से इसकी मसाज करनी है, राइट। वही 1 से 1.5 मिनट मसाज करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन अपनी लेग्स में महसूस होगा। यहाँ एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी लेग्स में, हमारी टांगों में 3 जॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारी बॉडी के साथ लगा हुआ है वो है हिप जॉइंट, कूल्हे का जोड़। दूसरा है नी जॉइंट, घुटने का जोड़। एंड सबसे नीचे है एंकल जॉइंट, जिसको कि हम टखना भी कहते हैं। तो इसी तरह से हम जब अपने हाथ पर ध्यान करेंगे तो हमारे हाथ में भी 3 जोड़ हैं। तो जो हमारे पाम के साथ, हथेली के साथ लगा हुआ है, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये बीच वाला हमारा नी जॉइंट है और सबसे नीचे एंकल जॉइंट है। जिन लोगों को इन जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो गया है, जो हमने पहले मसाज की बात की वो एक बहुत जनरल थी कि पैरों में स्टिफनेस हो जाती है थकान की वजह से, तो वो हर दिन जब इस मसाज को करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो कि एक स्टेप और आगे, जिनकी प्रॉब्लम पड़ गई है, जिनको दर्द रहने लगा है जोड़ों में, वो क्या करें।
मेथी दाना लेकर, जिसको कि हम फेन्यूग्रीक सीड भी कहते हैं, इस तरह से मेथी पट्टी बना लेंगे। एक वीडियो में मैंने सेपरेट मेथी पट्टी बनाने का तरीका बताया है, मैं उसका लिंक नीचे शेयर करूंगी, आप उसे प्लीज़ वहाँ चेक कीजिए। और हमें क्या करना है, अगर तो हमारे घुटने में दर्द है तो जो ये बीच वाला जोड़ है हमारे दोनों उंगलियों का, उस पर हम चारों तरफ ये मेथी पट्टी लगा देंगे। इस तरह से दोनों फिंगर्स में, लेफ्ट हैंड में भी एंड राइट हैंड में भी, राइट। और हम इसको सारी रात लगाकर सो जाएं। जिन लोगों के घुटनों में भी हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो गया है, जब वो इसको रेगुलर लगाएंगे तो वो खुद इसको समझ पाएंगे कि उसमें एक रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। ऑल दो उन्हें वो रिलीफ जो वो रिंग चलाएंगे हाथ में उससे भी होगा। अब हमारा जो दूसरा जॉइंट था, हिप जॉइंट, कई लोगों को काफ़ी लंबे टाइम बैठना पड़ता है तो उनके हिप जॉइंट में जब वो खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और पेन फील होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो ये हमारा हथेली के साथ लगा हुआ जोड़ है उस पर हमें ये मेथी पट्टी अप्लाई करनी होगी। तरीका वही होगा जैसे हमने घुटने के लिए लगाई थी, राइट। इस तरह से ये भी हम इस हाथ में भी, दोनों फिंगर में, लेफ्ट हैंड में, और सेम ऐसे ही राइट हैंड में भी लगाएंगे। रात भर लगानी है और सुबह हमें इसको हटा देना है। और अगर एंकल जॉइंट में, टखने वाले एरिया में किसी को दर्द है, ज़्यादा चलने से, ज़्यादा देर खड़े होने से वहाँ भी दर्द शुरू हो जाता है, तो हम अपने इस वाले जॉइंट पे लगाएंगे, जो सबसे बाद वाला हमारा जॉइंट है। वही तरीका यहाँ पर भी लगाने का है, राइट। अब हमने जो बात की थी वो बात की कि अगर जोड़ों में भी दर्द आना शुरू हो गया है तो हम क्या करेंगे। अब एक जो नेक्स्ट बात मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ कि कई लोगों के जो थाई मसल है, जो उनकी जांघों की मसल है, उसमें पेन रहना शुरू हो जाता है मसल्स में, या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उनकी जो काफ मसल है नीचे पिंडली वाला जो एरिया है उसमें बहुत दर्द होने लगता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चौड़े वाले टेप पर मेथी दाना इस तरह से लगा लेंगे, राइट। तो अब हम देखें कि हमारे हिप जॉइंट और हमारे नी जॉइंट के बीच वाला जो ये एरिया है, पूरा जोड़ बीच वाला, इस पर हम ये चौड़ी जो हमारी पट्टी है वो इस तरह से अप्लाई कर देंगे, प्रेशर देते हुए हल्का सा। आप खुद देखेंगे इसको दो एक दिन लगाने के बाद कि वो जो आपको एक वीकनेस या पेन स्टिफनेस रहनी शुरू हो गई थी उसमें आपको एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब यही सेम चीज़ अगर काफ मसल में है, जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं पीछे उसमें है, तो हम इस वाले जोड़ में लगा देंगे, ये वाला जो हमारा जोड़ है, वही सेम तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये दोनों हाथों की बीच वाले फिंगर्स में हमें लगाना होगा। इसको लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और आप इसको हर रोज़ का अपना एक नियम बना लीजिए कि जब भी आप खाली बैठे हैं तो हमें ये मसाज कर लेनी है और रिंग चला लेनी है। इससे क्या होगा, ये एक प्रिवेंटिव मेजर का भी काम करेगा। नियर फ्यूचर में अगर कोई आपको बड़े पेन्स आने वाले थे या कोई नी से, घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली थी, उससे आपका पहले ही बचाव हो जाएगा। इसके साथ साथ दो एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी कि हम जब भी प्रोलॉन्ग खड़े हैं, बहुत लंबे टाइम तक खड़े होकर काम कर रहे हैं या बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमें अपने पोस्चर को चेंज ज़रूर करना चाहिए। हम थोड़ी देर चल फिर लें, थोड़ा घूम लें, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, जब हम रात को सब कामों से निपट कर सोने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ देर के लिए अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊंचे लगा लेने चाहिए, क्योंकि सारा दिन हम खड़े रहते हैं तो हमारा सारा सर्कुलेशन पैरों की तरफ आ जाता है। जब हम पैर ऊपर करेंगे तो वो जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ जाएगा। अपने में ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है
और एक रिलैक्सेशन भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो एवरी डे हम इसको भी ज़रूर ध्यान रखें। तो टोटैलिटी में जो हमारा हेक्टिक शेड्यूल है और हम उसमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और एक हमारा तरीका है कि एवरी डे बहुत सारे लोग एक पेन किलर खाकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे की भाग दौड़ के लिए फिर अपने को तैयार करना होता है। इसीलिए मुझे लगा कि एक सिंपल सी मसाज आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप और लोगों के साथ भी जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को उनकी डे टू डे लाइफ में आराम मिलना चाहिए इन छोटे छोटे टिप्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।